हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है निहारिका स्वर्णिम एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे ह्यूमन बॉडी से जुड़े जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उसको डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न है, ब्लड बैंक कहलाता है। इसका सही उत्तर है प्लीहा, स्प्लीन। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, आरएच फैक्टर के खोजकर्ता कौन थे। इसका करेक्ट आंसर है लैंड स्टीनर एंड वीनर। क्वेश्चन नंबर थ्री है, टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है। इसका करेक्ट आंसर है पैर में। क्वेश्चन नंबर फोर है कि पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। इसका करेक्ट आंसर है स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत में। क्वेश्चन नंबर फाइव है, पित्त बाइल जो है वो स्त्रावित होता है। इसका करेक्ट आंसर है यकृत यानी कि लीवर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर सिक्स है कि भोजन का पाचन प्रारंभ होता है माउथ से, मुख से। क्वेश्चन नंबर सेवन है कि मानव शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। इसका करेक्ट आंसर है प्रोटीन से। टिश्यूज का जो फॉर्मेशन होता है वो होता है प्रोटीन से। क्वेश्चन नंबर एट है कि मनुष्य की सर्वदाता रक्त समूह कौन सी है, यानी कि यूनिवर्सल डोनर कौन है। तो ओ निगेटिव ब्लड ग्रुप जो है वो यूनिवर्सल डोनर है। क्वेश्चन नंबर नाइन है, मनुष्य का हृदय ह्यूमन हार्ट होता है, चार कोष्ठीय यानी कि फोर चैम्बर्ड हार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर टेन है कि मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। इसका करेक्ट आंसर है 72 टाइम्स, 72 बार। क्वेश्चन नंबर इलेवन है, मनुष्य की मस्तिष्क ह्यूमन ब्रेन का वजन जो है वो कितना होता है। इसका करेक्ट आंसर है 1350 ग्राम, 1350 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 12 है कि मनुष्य की सर्वग्राही रक्त समूह यानी कि यूनिवर्सल रिसेप्टर जो है वो कौन है। तो ये है एबी पॉजिटिव। क्वेश्चन नंबर 13 है, मनुष्य के दांतों और हड्डियों में होता है क्या होता है, तो कैल्शियम और फॉस्फोरस। क्वेश्चन नंबर 14 है कि मनुष्य के मूत्र का पीएच मान कितना होता है, पीएच वैल्यू कितना होता है। तो जो नॉर्मल वैल्यू रेंज है वो है 4.6 to 8.0, और अगर एक ऑप्शन रहे तो आप 6 को टिक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, मनुष्य के रक्त का जो है वो पीएच मान कितना होता है, ब्लड का पीएच वैल्यू कितना होता है, तो 7.4। क्वेश्चन नंबर 16 है, मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। इसका करेक्ट आंसर है त्वचा यानी कि स्किन। क्वेश्चन नंबर 17 है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, सेल कौन सा है। तो ये है तंत्रिका तंत्र, न्यूरॉन जिसको कि हम लोग बोलते हैं, नर्व सेल। नर्व सेल यानी कि तंत्रिका तंत्र जो है, नर्व सिस्टम नहीं बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे कि जो नर्व सेल है वो सबसे बड़ी जो है वो कोशिका होती है। नर्व सेल जो है वो सबसे बड़ी कोशिका जो है, ठीक है, सबसे बड़ी कोशिका यहाँ पे पूछ रहा है, तो सबसे बड़ी कोशिका है नर्व सेल, तंत्रिका कोशिका। क्वेश्चन नंबर 18 है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, ग्लैंड कौन सा है, तो यकृत यानी कि लीवर। क्वेश्चन नंबर 19 है, मनुष्य के शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है, तो जबड़े की हड्डी जो है वो सबसे मजबूत होती है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि मनुष्य के शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है, अमीनो एसिड्स की जो संख्या है वो कितनी होती है, तो 20 होती है। क्वेश्चन नंबर 21 है, मनुष्य के शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है, यूरिन बनता है, यूरिन का फॉर्मेशन कितना होता है, तो 1.5 लीटर, 1 से 1.5 लीटर के लीटर जो है वो यूरिन बनता है। मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है, तो 5 to 6 लीटर होती है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि मनुष्य के शरीर में रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है, तो इसका आंसर है 23 सेकेंड्स। क्वेश्चन नंबर 24 है, मनुष्य के शरीर में विटामिन ए किस अंग में संचित रहता है। इसका करेक्ट आंसर है यकृत यानी कि लीवर में। क्वेश्चन नंबर 25 है कि मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी होती है। इसका करेक्ट आंसर है फीमर, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो जांघ में होता है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि मनुष्य के शरीर में हड्डियों की जो कुल संख्या है वो कितनी होती है, तो 206।
मनुष्य के सौंदर्यता का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कैलोलॉजी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि मनुष्य में पसलियां जो रिब्स हैं उसकी संख्या कितनी होती है? तो 12 जोड़ी, 12 पेयर्स। क्वेश्चन नंबर 29 है, मनुष्य शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है स्टेपीज, जो कि होता है कान में। क्वेश्चन नंबर 30 है कि मस्तिष्क का यानी कि ब्रेन का जो सबसे बड़ा भाग है वो कौन सा है? तो प्रमस्तिष्क सेरेब्रम जो है वो सबसे बड़ा पार्ट है। मानव खोपड़ी यानी कि ह्यूमन स्कल में हड्डियां कितनी पाई जाती हैं? तो 8 जो है 8 पाई जाती हैं। मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? तो 8 होती हैं। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 33 है, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो सेरेब्रम है, ठीक है, और ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 34 क्वेश्चन, कि मानव मूत्र किसके कारण दुर्गंध देता है? ठीक है, यानी कि मानव मूत्र में, ह्यूमन यूरिन में जो है वो बदबू किस कारण से होता है? तो यूरिया के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 35 है कि मानव रक्त यानी कि ह्यूमन ब्लड का पीएच मान क्या है? तो 7.4, और कैसा है? तो क्षारीय है। क्वेश्चन नंबर 36 है कि मानव रक्त को शुद्ध करता है, कौन करता है भाई? तो किडनी करता है, जिसको कि हम लोग वृक्क भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है कि मानव शरीर का सबसे कठोर तत्व है, इसका आंसर है एनामिल, ठीक है, इनेमिल। क्वेश्चन नंबर है 38, मानव शरीर का सामान्य तापमान जो है वो कितना होता है? नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस से डिग्री सेल्सियस, या अगर उसको फ़ारेनहाइट में बोलेंगे तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्वेश्चन नंबर 39 है कि मानव शरीर की ताप नियंत्रक ग्रंथि जो है वो कौन सी है? ठीक है, टेम्परेचर जो मेंटेन करता है वो जो ग्लैंड है वो कौन सा है? तो इसको बोलते हैं हम लोग हाइपोथैलेमस ग्लैंड, ठीक है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे, कि श्वेत रक्त कणिका यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स का जो लाइफ साइकिल है, जीवन काल, वो कितना होता है? तो 13 से 20 दिन का होता है, 13 to 20 days। क्वेश्चन नंबर 41 है, मानव शरीर के स्वस्थ मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो 1350 to 1400 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 42 है, मानव शरीर में गुण सूत्रों यानी कि क्रोमोसोम की संख्या कितनी है? तो 46। क्वेश्चन नंबर 43 है कि मानव शरीर में जल की मात्रा पाई जाती है, वाटर का जो अमाउंट है वो कितना होता है? तो 65 to 80%, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 है कि मानव शरीर में मांसपेशियों की जो संख्या है वो कितनी होती है? तो 639, 639। क्वेश्चन नंबर 45 है कि मानव शरीर में रक्त की मात्रा, ब्लड का जो अमाउंट है, वो शरीर के भार का कितना प्रतिशत होता है? तो 7% होता है। क्वेश्चन नंबर 46 है कि मानव शरीर में जो सबसे छोटी ग्रंथि है, स्मॉलेस्ट ग्लैंड जो है वो कौन है? तो ये है पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 47 है कि रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना होता है? तो 7% होता है। क्वेश्चन नंबर 48 है, रक्त को शुद्ध करता है वो क्या है? तो किडनी। क्वेश्चन नंबर 49 है कि रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर मापने के यंत्र को जो है वो क्या कहा जाता है? तो स्फिग्मोमैनोमीटर बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, 50 क्या है, लार यानी कि सलाइवा में पाया जाने वाला जो एंजाइम होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो टाइलीन बोलते हैं। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 51 में, कि लाल रक्त कण यानी कि रेड ब्लड सेल्स जो है उसका निर्माण होता है कहाँ पे? तो बोन मैरो में, जिसको कि हम लोग बोलते हैं अस्थि मज्जा में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 है कि रेड ब्लड सेल्स को क्या कहा जाता है? तो रेड ब्लड सेल्स को हम लोग एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 है कि लाल रक्त कणिका का जीवन काल कितना होता है? रेड ब्लड सेल्स का जो लाइफ साइकिल है, लाइफ वो कितना होता है? तो 120 डेज का होता है। क्वेश्चन नंबर 54 है कि लाल रक्त कणिका को कहा जाता है? तो एरिथ्रोसाइट बोला जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 है, लिंग का निर्धारण होता है तो पुरुष क्रोमोसोम पर, यानी कि जो दो लिंग होती है, फीमेल के लिए क्या होता है? तो XX क्रोमोसोम, और बॉयज के लिए होता है, मेल के लिए XY क्रोमोसोम। तो लिंग का निर्धारण किस पे होगा, किस कैसे होता है? तो पुरुष के क्रोमोसोम पर। अगर पुरुष का क्रोमोसोम एक्स हो तो लिंग का निर्धारण क्या होगा, फीमेल का मिलके XX हो जाएगा,
और अगर पुरुष का क्रोमोसोम वाई हो तो वो वाई जो है वो एक्स के साथ मिलकर क्या बनाएगा, फिर मेल बनाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 है कि विटामिन ए जो है वो संचित होता है कहाँ होता है, तो यकृत में होता है, लीवर में। क्वेश्चन नंबर 57 है कि वृक्क यानी कि किडनी का वजन कितना होता है, वेट, तो 150 ग्राम होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 है कि शरीर का ताप नियंत्रक कौन है, कौन सा ग्लैंड, तो हाइपोथैलेमस ग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 59 है कि शरीर का सबसे बड़ा अंग यानी कि लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है, तो ये है स्किन। देखिए बहुत सारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप से भी पूछे जाते हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 60 है कि शरीर की सबसे कठोर तत्व होती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एनामिल बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, लार्जेस्ट ग्लैंड जिसको कि हम लोग बोलते हैं यकृत, लीवर। क्वेश्चन नंबर 62 है कि शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो फीमर, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट है, जांघ में। कुछ क्वेश्चंस जो है वो रिपीट हुए हैं, ठीक है, अच्छा है आप लोगों के लिए, वो रिवाइज हो जाएगा आपको, आपका बार बार एक ही क्वेश्चन जो है, और भी बहुत सारे डिफरेंट क्वेश्चंस भी हैं, तो अच्छे से इस वीडियो को बार बार जो है वो रिपीट करके आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है कि शरीर में गुण सूत्रों की संख्या यानी कि क्रोमोजोम्स की जो संख्या है वो कितनी है, तो 46 है। और क्वेश्चन नंबर 64 है कि सामान्य मनुष्य का जो रक्तचाप है, ब्लड प्रेशर है, वो कितना होता है, तो 120/80 होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं 65 नंबर क्वेश्चन में कि श्वेत रक्त कण व्हाइट ब्लड सेल्स को क्या कहा जाता है, तो ल्यूकोसाइट्स बोला जाता है। और सबसे छोटी ग्रंथि स्मॉल ग्लैंड कौन है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड है। ठीक है, और 10 क्वेश्चन आई थिंक रिपीट हो गए हैं, और कोई बात नहीं, 55 क्वेश्चंस के अराउंड जो है हमने नया कुछ सीखा, और 10 क्वेश्चन जो है उसको हमने रिवाइज किया। ठीक है, चलिए आज का जो वीडियो सेशन है वो यही समाप्त होता है।